हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ओपन इंटरेस्ट को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि मार्केट अप जाएगी कि डाउन जाएगी। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको ले आया हूँ अपने एंजल वन के डैशबोर्ड पर। तो उसके लिए ये जैसे आपको FNO में ऑप्शन ट्रेडिंग में जो दिख रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो आज हम फिन निफ्टी में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम फिन निफ्टी पे क्लिक किया, उसके बाद हम ऑप्शन चेन पे आएंगे। ऑप्शन चेन पे जैसे आएंगे, इस पे आपको दिख रहा है कि LTP, OI। तो सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे। दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट एक मेन चीज़ होता है। दोस्तों, अगर हम ओपन इंटरेस्ट को समझ गए तो उससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये जज करना कि मार्केट अप जाएगी कि डाउन जाएगी। और मैं मोस्टली जितनी भी ट्रेड करता हूँ वो ओपन इंटरेस्ट से ही करता हूँ, ओपन इंटरेस्ट देख के ही करता हूँ दोस्तों। तो ओपन इंटरेस्ट पे आएंगे हम। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि अभी हमारा करंट प्राइस क्या चल रहा है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में अभी हमारा करंट प्राइस चल रहा है 22,950। अब दोस्तों, अब हमारा जो लेफ्ट साइड है, इधर की साइड देखिए आप, जो OI आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे बायर्स हैं, बाइंग है, हमारे बायर्स हैं। और जो दोस्तों हमें राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो हमारा सेलर्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके बायर्स अगर ज़्यादा हैं और सेलर कम हैं तो मार्केट जो है डाउन जाएगी। अगर बायर ज़्यादा हैं और सेलर कम हैं तो आपकी जो मार्केट है वो डाउन जाएगी। और अगर आपके सेलर ज़्यादा हैं और बायर्स जो है कम हैं तो वहाँ से मार्केट अप जाएगी। तो दोस्तों, इसी के लिए हम पहले चेक करते हैं कि आप देखिए अभी फिन निफ्टी क्या चल रहा है, 22,961 के करीब चल रहा है। तो ये 22,950 और 23,000 के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम 22,950 पे देखते हैं कि जो हमारे बायर्स हैं वो 1,33,000 हैं और हमारे जो सेलर्स हैं वो 87,092 हैं। यानी कि हमारे बायर्स जो हैं 22,950 पे जो हैं ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है डाउन जाएगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि 22,960 से 22,956 आ गया है, तो मार्केट जो है डाउन जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो 22,950 पे जो हमारे बायर्स हैं वो ज़्यादा हैं, जिससे कि हमारी जो है मार्केट जो है 22,950 से ऊपर नहीं आएगी, यानी 23,000 तक नहीं आएगी। 22,950 और 23,000 के बीच में ही चलता रहेगा। अब 22,900 पे देख लीजिए आप, 22,900 पे लगभग लगभग सेम है, तो वहाँ पे मार्केट जो है न्यूट्रल चलेगी, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा। 22,850 पे देख लीजिए, सेलर ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है 22,850 से नीचे नहीं आएगी। क्योंकि 22,850 पे आप सेलर देखिए 1.5 लाख हैं और जो बायर्स हैं वो 72,000 के करीब हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है 22,850 से अभी के टाइम पे ऐसा दिख रहा है, जो जो है आपका जो ओपन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से 22,850 से नीचे नहीं आएगी। अब ये तो हो गया दोस्तों नीचे का, मार्केट के नीचे आने का। अब मार्केट के अप जाने का भी तो एक बार देखते हैं। अब आप 23,000 पे देखिए, 23,000 पे देखेंगे तो आपके जो हैं बायर्स जो हैं वो 2.7 लाख हैं, 2,70,000 के आसपास, और आपके जो सेलर्स हैं वो जो हैं 32,000 हैं। तो यहाँ पर सेलर कम है और बायर ज़्यादा हैं, तो यानी कि मार्केट डाउन करेगी, 23,000 के आसपास नहीं जाएगी, 23,000 पर मार्केट नहीं जाएगी। अब आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, अभी मार्केट 22,960 पर था, अब 22,950 पर आ गया है, 49 देखिए। तो दोस्तों, इसी तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं। फिर देख लीजिए आप 23,050 पे चेक कर लीजिए, 23,050 पे आपके जो बायर्स हैं वो 53,000 हैं और आपके जो सेलर हैं वो 18,000 हैं। तो दोस्तों, इससे क्या पता चलता है कि मार्केट जो है 23,000 से ऊपर नहीं जाएगी। यानी कि मार्केट जो है मेरे हिसाब से अभी तो न्यूट्रल ट्रेंड में ट्रेंड कर रही है, लेकिन मार्केट जो है बियरिश मोड में है, बुलिश मोड में नहीं है। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको बहुत
प्रॉफिट होगा या आप बहुत अच्छा करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी अगर समझ में नहीं आई है तो आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।